हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम दोनों भी ठीक हैं। बिस्कुट किसको खिला रही हो? मम्मा को। मुझे नहीं खाना, आप खा लो। जिकिशा खा रही है बिस्किट और अच्छा आपको बंद दे दो। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं बाद में खा लूँगी, ओके? इसमें रख लेता हूँ। तो जिकिशा ने मुझे दिया है बिस्किट और देखिए जी किशा भी खा रही है बिस्किट ना। गाइस, बैकग्राउंड में यार थोड़ा सा शोर हो सकता है क्योंकि रात तो हो गई है, बट यहाँ पे सन्नाटा होता नहीं कभी रोड पे। गाइस, क्या मेरे कुत्ते भी आते हैं? गाइस, आज कुत्ते आए हैं। क्या मेरे कुत्ते भी आते हैं? और गाइस, रात में सही में डॉग्स भी आते हैं और वो भौंकते हैं तो तो हमारी नींद भर जाती है। फिर क्या होता है हमारी नींद? हमारी माँ नींद खो जाती है। हाँ, तो हम लोग सो रहे होते हैं और जब वो भौंकते हैं तो ऐसा लगता है सर पे ही भौंक रहे, तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ये इनका कहना है। पर ऐसे कुछ नहीं है, हमारी आदत हो गई है यहाँ रहने की, सोने की शोरगुल में। बट हाँ, आपको थोड़ा सा शोर आ सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। आज सिर्फ सवाल और जवाब होंगे। कुछ वो सवाल हैं कि आप जहाँ रहती हैं वो किसका घर है, ससुराल है कि मायका है, या फिर किसके घर में रहती हैं, किसके साथ रहती हैं, क्या आप दोनों अकेले रहते हैं, और क्या और हम मायके में क्यों नहीं रहती हैं, मायके में रह के आप जॉब कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, ये सारे सवाल थे। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं सबसे पहले सवाल की कि मैं कहाँ रहती हूँ। और लोगों के मन में आता है और बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो गाइज़, ये वही घर है जहाँ मैं शादी करके आई थी, यानी कि मेरा ससुराल ही है। हर बार शादी करके क्यों बोल? शादी क्यों बोलती हो? मैं वेट करती हूँ कि ये सो जाए, बट ये मेरे बिना सोती नहीं है। जैसे बातचीत करनी है ना, जवाब देना है, तो मैं रात में ही सो कर सकती हूँ। अच्छा, तो मैं रात में ही कर सकती हूँ क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर होता है, तो बहुत मुश्किल है कुछ भी रिकॉर्ड करना। और रात में अगर मैं इसको सुलाने बैठ जाऊँ, फिर लाइट्स वगैरह ऑफ करने के बाद जब एक बार आप लेट जाइए ना, तो फिर आलस आ जाता है, फिर उसके सोने के साथ ही मैं भी सो जाती हूँ, पता नहीं चलता कब सो गई। तो मैंने सोचा चलो ये जाग रही है तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। बट देखिए, बीच बीच में ये भी अपने सवाल जवाब लेके आ जा रही है, तो मैं इसके सवालों का जवाब दूँ या आप लोगों के सवालों का जवाब दूँ? बोलो जीगी, मैं किसके सवालों का जवाब दूँ, गाइस के या आपके? गाइस के कि आपके? आपसे पूछ रही हूँ मैं, गाइस के क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ, ठीक है? आप तब तक ड्राइंग कर लो, ठीक है? गुड, गुड। सो फ्रेंड्स, ये मैं बात कर रही थी कि ये जहाँ मैं रहती हूँ ये मेरा ससुराल ही है। और फिर बात आती है कि ससुराल में कैसे, जब इन लॉज ने साथ नहीं दिया तो ससुराल में कैसे? ससुराल में इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे इन लॉज का ही घर नहीं है, ये एक पुश्तैनी घर है, मतलब पंकज के यानी कि मेरे हस्बैंड के दादाजी का घर है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, और भी फैमिलीज हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का घर होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। मेरी लाइफ में ये मोड़ आया, एक ऐसा एक हादसा हुआ उस वक्त जो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पे रहूँ। यहाँ पे माहौल बहुत ख़राब हो गया था, मतलब ऐसा क्रिएट कर दिया गया था माहौल कि मैं खुद ब खुद चले जाऊँ। बट मेरी फैमिली भी उस वक्त शायद यही चाहती थी कि मैं उनके साथ चले जाऊँ बच्चे को लेकर के, बट मैं नहीं जा पाई। एक तो अचानक से ये सब हुआ और उसके बाद फिर मुझे भी अचानक से यहाँ से जाना पड़े, तो हो नहीं पाया मुझसे। और उस वक्त की हिम्मत कहाँ से आ गई अपने और अपने बच्चे के लिए, मैं खड़ी हो गई। अकेली होती तो शायद चली जाती कि अपने इमोशंस ही काबू करने हैं, बट बच्ची भी थी तो मैंने कहा नहीं, ऐसे हार भी नहीं माननी। तो होता है ना कि आपको रोने तक का मौका नहीं मिलता है, समझने तक का मौका नहीं मिलता है कि आपके साथ क्या हुआ। कुछ ऐसा ही हुआ, इस वक्त नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है, बैठ के रोना है कि बच्चे को देखना है कि खुद को देखना है, या फिर लड़ाइयाँ लड़नी है। पर ठीक है, फाइट करी मैंने, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे ने भी बहुत स्ट्रगल किया, जाने से मना किया मैंने, तो
ये हुआ कि यहाँ पे तो माहौल ऐसा है कि फिर कौन देख रेख करेगा हमारी, तो मम्मी पापा आए मेरे साथ रहने यहाँ पे। सो गाइस बात करते हैं अब कि मैं किसके साथ रहती हूँ। तो इस घर में अकेले रहती हूँ, किसके साथ रहती हूँ, तो जैसे मैंने बताया कि इस घर में और भी फैमिलीज हैं, तो नहीं मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं रहती हूँ। ताई जो लोगों की फैमिली है वो सब बहुत ध्यान रखते हैं और जिगी भी खेलती कूदती रहती है और वो लोग उसकी भी केयर करते हैं। तो जब एक ही घर में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिगी के लिए भी यहाँ पे बहुत ही केयरिंग और लविंग माहौल है, तो हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। हाँ जैसे हम दिखते हैं वो वाले अकेले हैं कि भाई हम दो ही हैं, बट अगर आप बात करते हैं कि वैसे अकेले कि भाई हम एक घर में अकेले रहते हैं, तो हम घर में अकेले नहीं रहते हैं। जब भी ज़रूरी होता है सब लोग मुझे हेल्प करते हैं और सभी ने बहुत सपोर्ट किया है, जिस वजह से ही शायद मैं इस घर में हूँ। और वरना एक टाइम के बाद फिर इंसान अकेले कब तक रहेगा ना, हम दो ही कब तक रहते नहीं रह पाते शायद, क्योंकि जब इतने लोगों के बीच में जब हमें यहाँ अकेलापन और खालीपन महसूस होता है, तो फिर अगर कोई यहाँ नहीं होता तो फिर कैसा महसूस होता, तो शायद मुश्किल हो जाता और शायद मैं नहीं रह पाती। बट हाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, तो नहीं हम बिल्कुल भी अकेले नहीं रहते हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही पापा भी आते रहते हैं। पापा जब आते हैं तो वो कभी हफ्ते भर, कभी 10 दिन, कभी 4 दिन, ऐसे मतलब वो हमारे साथ रुकते हैं, तो पापा आते जाते रहते हैं। तो फिर ऐसे कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम बिल्कुल अकेले रहते हैं। और रही कि हम ही दोनों अकेले क्यों दिखते हैं, तो हम दोनों अकेले दिखते हैं, बट जब सही टाइम आएगा या जब सभी कंफर्टेबल होंगे कभी ब्लॉग्स में आने के लिए, तो मैं ज़रूर मिलाऊंगी आपको। मेरा एक सपोर्ट सिस्टम है इस घर में भी और इस घर के बाहर भी, तो कभी डिटेल में अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करूंगी और एक एक करके मैं शायद सभी से मिलवाऊँ भी और बताऊँ भी। तो ये तो रही कि हम अकेले रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो जब एक घर में इतने सारे लोग हों तो फिर अकेले तो नहीं कहेंगे इसको। इसके बाद एक जो सवाल आया था कि आप मायके में क्यों नहीं रहती हैं, तो इसके दो रीज़न हैं। एक तो चलो मेरा पर्सनल है कि भाई मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी बहुत सारी यादें हैं। यादें मीन्स कि जब मैं शादी करके आई तो 1 साल तक मैं इसी घर में रही अपने हस्बैंड के साथ। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का जॉब दिल्ली में हो गया, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। 6-7 साल पूरे हम दिल्ली में रहे। फिर जिक्की हुई, तो जिक्की के होने के बाद फिर हम 7-8 महीने बरेली में रहे और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ आने के बाद 1.5 साल फिर हम इस घर में एक साथ रहे हैं। लॉकडाउन का पूरा टाइम काटा है हमने यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक साथ एक घर में आपकी इतनी सारी मेमोरीज हों, और मतलब मैं यहाँ से जाऊँगी तो क्या क्या ले जाऊँगी। घर के कोने कोने में एक याद है, मेरे इमोशंस हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। अगर मुझे यहाँ से जाने को बोला जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के जा रही हूँ। दूसरी बात कि अगर एक लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई उसका हस्बैंड नहीं रह गया, तो ये कहाँ का नियम है कि भैया वो मायके चली जाए। हाँ उसके मायके वाले बड़े सपोर्टिव हैं, वो लोग उसको संभालें और उसको ले जाएं। क्यों ऐसा, क्यों मायके वाले क्यों ले जाएं, या लड़की मायके क्यों चली जाए। जब तक हस्बैंड था तब तक सब उस घर में उसके लिए बड़ी जगह थी, और जब हस्बैंड नहीं है तो एकदम से लग रहा है कि वो सब ले के चले गए। ऐसा क्यों, तो मैं तब क्यों जाऊँ जब मेरे पास एक बच्चा भी है। वो बच्चा तो उसी इंसान का है ना जो कल तक इस घर का बेटा था, अब क्या हो गया। वैसे ही बेटा बेटी जो भी है, बट है तो इसी घर का। तो ये सोच का फर्क है, ये शायद जाएगा नहीं, बट मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी भी तो अपनी शर्तों पे जाऊंगी, जब मेरा अपना मन करेगा कि भाई अब बच्चे को लेकर के यहाँ रहने में कोई दिक्कत हुई, या बच्चे के हिसाब से जो चीज़ें मुझे सही लगेंगी मैं वो करूंगी। तो ये सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है गाइस, कि एक लड़की विडो हो गई तो वो अपने मायके जाए। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। उसके अलावा बात यह है कि जॉब नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फैमिली में जो लोग साथ में हैं हम उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई तो उन्होंने साथ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम बर्डन बन जाएं किसी पे, है ना। रही बात कि फिर मैं मायके जाऊँ और वहाँ से मैं जॉब कर सकती हूँ,
तो नहीं, मैं वहाँ से भी जॉब नहीं कर सकती क्योंकि अब मम्मी नहीं रही हैं मेरी। पापा हैं, वो बच्चा देख नहीं सकते। मेरे भैया हैं, भैया का अपना काम है। मेरी भाभी है, मेरी भाभी भी जॉब करती है, वर्किंग है वो। तो बताइए फिर वहाँ कौन देखेगा बच्चे को? प्रॉब्लम तो वही है ना कि बच्चे को कौन देखेगा। तो मैं वहाँ से भी जॉब नहीं कर सकती हूँ। जो भी कर सकती हूँ घर से कर सकती हूँ या फिर बच्चे को साथ लेकर के कर सकती हूँ। तो जो भी करना है मुझे यही करना है, और इसके लिए आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। आई होप कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गाइस आज बस इतना ही। तो जिगिशा भी वेट कर रही है सोने के लिए, तो मैं चलिए अब उसको सुलाती हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।